आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे थे उस पर विचार करते हैं। पिछली वीडियो हमने बुध ग्रह पर बनाई थी। बुध ग्रह पर जीवन था या नहीं था, अगर था तो वो विलुप्त कैसे हुआ, उसकी इतनी विषम परिस्थितियाँ कैसे हुई, वो सबसे अलग ग्रह कैसे है, उसकी दूरी कितनी है, वजन कितना है, इन सभी तथ्यों पर हमने विचार किया था। तो अगर आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं बुध ग्रह की, जिसमें हमने हर बार की तरह लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे ग्रह का नाम बताओ जिसका तापमान अपने सौरमंडल के सभी ग्रहों से ज़्यादा है, जो सबसे गर्म ग्रह के रूप में माना जाता है और जिसका एक दिन एक वर्ष से भी बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रणवीर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सोशलिस्ट, आप सभी का स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। इन दोनों सवालों का आंसर केवल एक ही है, विनस ग्रह, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ही अपने सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसी का एक दिन एक वर्ष से भी बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह दो दिशाओं में भ्रमण करता है, एक तो वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है और एक वो अपने धुरी पर चक्कर लगाता है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने से एक वर्ष बनता है और धुरी पर चक्कर लगाने से एक दिन बनता है। तो जो उसकी धुरी पर चक्कर लगाने की रफ्तार है वो बहुत ही कम है, इसी वजह से उसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लगते हैं, जबकि वो सूरज के चारों ओर चक्कर पूरा करने में 225 दिन लगाता है, इसी वजह से उसका एक दिन एक वर्ष से भी अधिक बड़ा है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का वजन के हिसाब से छठवां और दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह। शुक्र ग्रह की सूरज से दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र ग्रह करीब 4.5 अरब साल पुराना ग्रह है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर भी पृथ्वी से पहले जीवन था। इसकी कुछ विषम परिस्थितियां हुई, इसकी वजह से इस पर जीवन विलुप्त हो गया। सौरमंडल के सभी ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के साथ सबसे अधिक आकार तथा कक्षा में संरचना शुक्र ग्रह की ही मिलती है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह उन 5 ग्रहों में से है जिन्हें धरती से बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। तो एक ग्रह का जिक्र तो हमने अपने पिछले वीडियो में किया था, एक ग्रह ये है शुक्र ग्रह, बच के 3 ग्रह। तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिए और उन 3 ग्रहों के बारे में बताइए कि वे 3 ग्रह कौन कौन से हैं जिनको हम बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी की सतह से आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह का हल्का पीला रंग सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से है। शुक्र ग्रह अपने सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और उसकी वजह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि शुक्र ग्रह की जो वायुमंडल है वो 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। शुक्र ग्रह पर जो हवा की रफ्तार है वो 724 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि पृथ्वी पर भी वोल्केनो की रफ्तार से कहीं अधिक है। शुक्र ग्रह का वायुदाब 90 गुना ज़्यादा है। उस शुक्र ग्रह पर चलना ऐसा लगता है जैसे हम 100 किलोमीटर अंदर समुद्र में पानी में चल रहे हैं। शुक्र ग्रह पर वजन अगर हमारा यहाँ पर पृथ्वी पर 100 किलो है तो शुक्र ग्रह पर 90 किलो हो जाएगा। इन्हीं सभी विषम परिस्थितियों के कारण अब तक मानव निर्मित कोई भी वस्तु 127 मिनट से अधिक शुक्र ग्रह पर की सतह पर नहीं टिक पाई है। शुक्र ग्रह का तापमान इतना अधिक है कि उस पर 16 इंच का पिज्जा केवल 7 सेकंड में पक जाता है। अब वायुदाब हमारे वजन और टेम्परेचर पर कितना असर डालता है, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है जो समुद्र सतह पर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है, उबलना शुरू कर देता है, तो अगर हम उस पानी को हिमालय की चोटी पर ले जाकर गर्म करें तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको इस आंसर का पता है
इस क्वेश्चन का पता है तो हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं पता तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, अगली वीडियो में हमें इसका आंसर भी बताएंगे और उसके पीछे छिपे हुए साइंस को भी उजागर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।